पीलीभीत में यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बहुत तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। यदि बाहर इस मामले पर समझौते का कोई रास्ता निकलता भी है तो भी अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही होगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना भी पड़ेगा क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। और राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट से उत्तर प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वार खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 4.28 लाख करोड़ का निवेश यूपी में 1540 कंपनियां करने जा रही हैं जिससे 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। यूपी की इकोनॉमी बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले की सरकार की अपेक्षा बेहतर साबित हो रही है और लेकिन कुछ गलत लोगों को तकलीफ भी हो रही है। सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल की वजह से ही सैकड़ों की संख्या में उद्यमी यूपी में आकर निवेश कर रहे हैं। राज्यपाल राम नाईक यूपी के पीलीभीत में गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर में आयोजित मेधावी व पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में पहुंचे थे। गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने महाविद्यालय के 11 मेधावी छात्र छात्राओं व एक पुरातन छात्रा को सम्मानित किया है और इन 15 लोगों में से राज्यपाल ने 9 छात्राएं शामिल होने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने छात्राओं के बढ़ते कदम व देश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जाहिर की है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा है कि यदि विद्यार्थी मुस्कुराहट, प्रोत्साहन, नम्रता व निरंतर अपने काम के प्रति उत्साही व गतिमान बनेंगे तो इन चीजों से ही शिक्षा के साथ उच्च व्यक्तित्व का भी सम्मान होगा। आंकड़े लोगों को कोशिश तकलीफ भी होती है। 4.28 लाख करोड़ की इतना विनिवेश आ रहा है, लगभग 1540 विभिन्न कंपनियां ये काम करने वाली हैं और अंदाज से है कि यह सब ठीक प्रकार से चलता है तो 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उसमें से पैदा होगा। निश्चित तौर पर जब इतना रोजगार यहाँ पर हुआ उसमें से जो बातें उपज जाएगी वो अधिक मूल्य की होगी और किसानों के, उद्योजकों के, कामगारों के जेब में जब पैसा आता है तो अपने आप प्रदेश का। पीलीभीत से संदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।